एक्चुअली डिफ़ॉल्ट के बाद यहाँ पे आप अपना कर सकते हो इसकी लैंग्वेज चेंज, और फिर स्क्रीन साइज़ जो आप ये ओके तो एग्जिट कर दें, नहीं तो यहाँ पे आप रीज़न जैसे कि आप एशिया, और फिर उसके बाद टाइमिंग इसकी सेटिंग करनी होती है, और फिर कराची, फिर उसके बाद ये ओके से। ये वो ऐप्स है और ये उस मोबाइल पे डाउनलोड होगा क्रोम और से, तो प्ले स्टोर पे मौजूद नहीं है, जो पुराना वर्जन है, जैसे कि पुराना वर्जन है उस पे तो डाउनलोड होगा मोबाइल के ऊपर, फिर जाके चलता है। यहाँ पे रिमोट है, अभी रिमोट भी इस पे बिल्कुल वर्क है, मिरर कास्ट के लिए ये मास्टर हैं। यहाँ पे आपको अभी कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट हो जाएगा, चैनल चेंज करना, फिर कौन सी लगाना, ये अक्सर वीडियो बनाई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर से। मैं हूँ शफकत हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इश मास्टर। आज की वीडियो एस क्रूज़र के बारे में, दो एस क्रूज़र के ये मॉडल हैं और देख सकते हो दो एक साथ कंपेयर करने वाले हैं, और ये देख सकते हो एक है जो 585 प्लस एस क्रूज़र और दूसरा एस क्रूज़र 715, और 715 जो है वो बिल्ट इन वाईफाई है और इसकी डिस्प्ले देखा सिंगल है, और जो 515 वो ऊपर डिस्प्ले है। तो बहरहाल ये देख लें, बिल्ट इन वाईफाई है और मिनी साइज़ में है, ये साइज़ है और जितनी मिनी साइज़ है उतना सर्किट है इनका, तो 585 का बड़ा सर्किट है इसका, तो ये देखें ये बिल्ट इन वाईफाई है सर्किट, इसका इतना छोटा सर्किट है, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे और पायदार सेट हैं, और फिर इनके आगे चल के भी इनको एलईडी को पर ज़रूर शेयर करने लगे हैं। इसमें प्लगिंग वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती है, इसमें कोई सर्वर वगैरह नहीं होता जैसे कि फ्लेवर वगैरह, तो बहरहाल उसके अलावा बाकी बिल्कुल मोबाइल पे। ये इनका रिमोट है ओरिजिनल और ये इसका रिमोट है ओरिजिनल, तो रिमोट में ये चेंजेंगे लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल वर्क हैं, और बाकी इनका ट्यूनर एक होता है और वो भी एन, यहाँ पर पावर बटन इसका एक साइड के ऊपर इसका सीधा है, तो बहरहाल काफ़ी अच्छे एस क्रूज़र सेवर को पसंद किया है, और क्यों ना पसंद करें, क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन तो 7 है, ओल्ड है, और फिर उसके बाद इनका डिस्प्ले मोबाइल पे बड़ी अच्छी ये वर्क है इन दोनों की, और बाकी स्टोरेज मेमोरी दोनों की 8 GB है और 1 GB दोनों की रैम है, ये बड़ा ज़रूर है 585, लेकिन रैम रूम बराबर है। बाकी दोनों में हॉटस्पॉट होती है, इसकी ऑन कर दें अपने मोबाइल की मतलब इससे लें तो फिर बिल्कुल मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले देख सकते हो, और फिर दूसरी बात दूसरा यह है कि अगर घर में कहीं लगा हुआ है वाईफाई वगैरह, और फिर उससे भी कनेक्ट, नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, दोनों कनेक्ट कर लें तो इस तरह भी होता है, तो इस डिस्प्ले से देख सकते हो, ये इसकी सिग्नल बना सकते हो और फेंडर के यहाँ यूज़ कर सकते हो, और ये बड़ा इसका मतलब फ़ायदा है तो दोनों में। बाकी जो है ना, और इनका जो ऊपर वाला सिग्नल है 100 दिखाएगा आपको, और बाकी नीचे वाले सिग्नल जाहिर बात है फ्रिक्वेंसी के हैं, और 515 और ये इसका दोनों का एक जैसा अंदाज है दिखाने का, ऊपर वाला 100 होगा और 585 एक है जो वो कम बताएगा, और फिर 515 है एक वो भी कम बताएगा, 715 और 585 ये प्लस है, इसलिए एक 585 है, दो हैं इस जैसे, साइज़ भी एक जैसा है, लेकिन यहाँ के फ़र्क हो जाता है ऊपर सिग्नल पट्टी का, और इसकी अगर वायर निकाल दें तो दोनों चले जाएंगे, ये देखें अब वायर निकाल दिया है और चले गए हैं दोनों, इस तरह लाजम है क्योंकि रास्ते में ख़राब हो वायर या फिर कोई मसला हो तो हमें पता चले, ये बात नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला फुल होता है 100, तो ये दोनों में है इस मॉडल में। बाकी वीडियो बनाते हैं अक्सर, कुछ ऐड वगैरह भी देते हैं, अनबॉक्सिंग भी करते हैं, तो आज की वीडियो कोई ऐड वगैरह नहीं थी, इन दोनों के बारे में थी, तो मैंने कहा वीडियो बना दें, और ये दोनों एक चीज़ हैं और सिर्फ सर्किट का फ़र्क है, इसका थोड़ा सर्किट बड़ा है, बाकी ये बिल्ट इन वाईफाई नहीं है, वो बिल्ट इन वाईफाई है, डिस्प्ले इसकी अच्छी है उसकी नहीं है, जैसे कि मैंने आज वीडियो में बताया, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, क्योंकि ये किसी दोस्त को देने हैं।